पूरे 6 महीने बाद कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए असम के विभिन्न स्कूल आज से खोले गए। आज 9वीं और 12वीं के बच्चों के लिए शिक्षण संस्थान खुले, तो वहीं कल 10वीं और 11वीं के छात्रों का पाठदान होगा। वहीं स्कूल कॉलेज तो खुल गए, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों की संख्या ना के बराबर रही। यह है असम के विभिन्न प्रांतों के स्कूल की तस्वीर। न्यू नॉर्मल की ये तस्वीर अब हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। जी हाँ, स्कूल में प्रवेश करने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग, हाथों में लगाया गया ऑक्सीमीटर, यूनिफॉर्म के साथ अब मास्क पहनना हुआ अनिवार्य। साथ में अभिभावकों का अनुमति पत्र है बेहद जरूरी। जी हाँ, इन्हीं प्रोटोकॉल का पालन कर पूरे 6 महीने बाद आज राज्य के विभिन्न प्रांतों के स्कूल खोले गए। राज्य के विभिन्न प्रांतों के स्कूलों में आज कक्षा 9 और 12वीं के बच्चों के लिए पाठदान शुरू हुआ। बहुत भाल लगे सर, बहुत दिनों मोर स्कूल लो आहिबो पाइसु, यूनिफॉर्म पिनिबो पाइसु। नियम किने मानिसन मानिसु आहुते सैनिटाइजर लगा आइसु, तार पिसत एनके सही माइबो दिसे आ एनओसी खन लो आहिबो दिसे, एखन सारक दिलो जमा। ভালে লাগিছে, ইমান দিনৰ পঢ়া জমা হৈ আছিল, এতিয়া আকৌ ভালকৈ পঢ়িব পাৰিছোঁ, চেনিটাইজাৰ লগাইছোঁ। কিছু পঢ়া ক্ষতি কৰিলে কৰো নাই? কৰিছে, অলপ চলপতো কৰিছে, আকৌ নতুনকৈ ভালকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। ভাল লাগিছে, বহু দিনৰ পিছত আচাৰ্যসকলক দেখিবলৈ পাইছোঁ, বন্ধু বান্ধৱীসকলকো লগ পাইছোঁ। মই ইমান দিনৰ মূৰত আহিছোঁ বিদ্যালয়লৈ, বহুত বেছি ভাল লাগিছে, সকলোকে ইমান দিনৰ মূৰত দেখিছোঁ, লগ পাইছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। वही मंगलवार को 10वीं और 11वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। रातिपुआ श्रेणी होम बुध शुक्रवार अक क्लास 9, मंगल बृहस्पति शनिवार क्लास 10, आको सेकेंड हाफ क्लास 12 और 11। सो कोविड प्रोटोकॉल खिनि मेंटेन करि आमी स्कूल आरम्भ करिबलै चेष्टा करिछु। वही अभिभावकों का अनुमति पत्र न लेने पर कई विद्यार्थियों को स्कूलों में प्रवेश करने नहीं दिया गया। वहीं कई जगह विद्यार्थियों की संख्या अधिक नजर आई, तो वहीं कई विद्यालयों में बच्चे ना के बराबर दिखे। अमी तो आशा करिसिलु, किंतु मात्र एगरा की छात्री से आज आही से इमान दिन हो परिवेशटा घुरी आउटा मको समय लबो आज जदि म तनक हात देखा पाइसु तनके गार्जन पा एनओसी आनिसे गतिके आमी हो आमार लखनपुर जिल्लात ने सुंदरभावे स्कूल लाग छक आज आरंभ होबो। डिब्रुगढ़ के बांग्ला उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक भी विद्यार्थी आज नहीं आया। वहीं डिब्रुगढ़ के ग्राहम बाजार बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सिर्फ एक छात्रा पाठदान के लिए स्कूल पहुंची। लखीमपुर, गुवाहाटी, ग्वालपाड़ा, काजीरंगा में हाथों में इस तरह एनओसी लिए बच्चे स्कूल पहुंचे। वहीं कक्षा में मौजूद बच्चों के साथ ही घरों में भी बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलता रहा। पूर्ण हाजो होइसु, इतिमध्ये स्कूल खन आमार संपूर्ण सेंटेजेस करा होइसे आरो छात्र छात्री जेखिनि तो करिबो लागे डिस्टेंस मेंटेन करिबो लागे बा सेंटेजर दिबो लागे बा ऑक्सीमीटर आनिबो लागे गुटीखिनि बस्तु जोगार करिसु, हात धोवा कन व्यवस्था राखिसु। जे जि सकलर अभिभावके अनुमति दिसे तेनलोक आहिसे विद्यालय ले ভাল লাগিছে, বহু মাহৰ মূৰত তেওঁলোকক লগ পাইছোঁ, তেওঁলোকক আজি আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ আমি শিক্ষাদান কৰিব পাৰিম। 50% শিক্ষক ও কৰ্মচাৰীৰ কে সাথ আজ অসম কে বিভিন্ন স্কুলৰ মে ইসি তৰহ পাঠদান শুরু হুৱা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট লাইভ।